गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। महिलाओं का एक सबसे विवादित टॉपिक होता है जिसे मेल ये कहते हैं कि ये अब्यूज़ मिसयूज़ ऑफ लॉ अब्यूज़ ऑफ लॉ है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये कानून प्रोवाइड करा गया है वुमेंस की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से सेक्शन कौन से लॉ की बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, मैं सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को कंसीडर किया जाता है जिसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के जो भी इंजरीज वुमेन को होते हैं, जो भी उनको हैरेस किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है 498A में। पहले केसेस होते थे जो जेन्युइन होते थे और एक्चुअल में सही होते थे, तो इसके वजह से अमेंडमेंट करके 498A 26 दिसंबर 1983 को इंडियन पिनल कोड में इंसर्ट करा गया, जिससे वुमेन की सेफ्टी के लिए उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो सके, उनको एक सेफ्टी नेट दिया जा सके। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वुमेन इसका मिसयूज करते हैं और मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है। लड़का जैसे अगर लड़का लड़की का शादी होता है, दोनों में जम नहीं रहा है, तो वुमेन के पास यानी लड़की के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो 498A का कंप्लेन कर दे, पुलिस स्टेशन में FIR कर दे। FIR हो भी जाता है बिकॉज इसमें दो तरह के कंडीशंस होते हैं, एक तो मेंटल क्रुएल्टी एंड फिजिकल क्रुएल्टी। चलो अगर आपके साथ फिजिकल क्रुएल्टी है तो आप तो किसी डॉक्टर के पास जाके एक रिपोर्ट बनवा सकते हैं, डॉक्टर आपको रिपोर्ट लिख के दे देगा कि जी हाँ आपको ये इंजरी हुआ है। बट इसमें मेंटल क्रुएल्टी भी आता है 498A में। तो मेंटल क्रुएल्टी को कैसे आप प्रूव करेंगे, मेंटल क्रुएल्टी को कैसे आप दिखा सकते हैं? तो इसके लिए पुलिस भी बहुत बार देखा गया है, पुलिस भी इजीली 498A के केसेस रजिस्टर कर देती है। और पुलिस को, क्योंकि आप मेंटल इंजरी तो दिखा नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, और पुलिस भी उसको कंसीडर नहीं कर सकती, उसको समझ नहीं सकती कि मेंटल इंजरी कैसे हुआ है, क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट इक्विप्ड विद दैट। तो इसके वजह से बहुत बार देखा गया है कि कोर्ट पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो जाता है, बट दूध का दूध और पानी का पानी तो कोर्ट में ही होना है। ट्रायल चलता है कोर्ट में, जब वुमेन प्रूफ नहीं कर पाती तो मैटर को डिसमिस कर देता है कोर्ट, मैटर को कोर्ट डिसमिस करता है बिकॉज वुमेन प्रूफ नहीं कर पाती कि मेरे साथ मेंटल या फिजिकल क्रुएल्टी हुआ है। बट मान सम्मान की जो बात है लड़के के साथ यानी मेल के साथ, जो उसका मान सम्मान गया, उसको बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, उसके फैमिली मेम्बर्स को, इनफैक्ट बहुत सारे केसेज में तो सिस्टर इन लॉज को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, पूरे फैमिली को घर बुलाया जाता है, यानी इनफैक्ट 15 साल 16 साल के बच्चों तक की कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है ऐसे केसेज में। तो उसके पूरे परिवार का मान सम्मान का नुकसान होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है 498A का केसेस करने का? तो कई केसेस तो बदले की भावना से किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे केसेस झूठे या गलत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि हैरास करने के लिए, लड़के साइड को हैरास करने के लिए, प्रेशर करने के लिए, डिफेम करने के लिए, सोसाइटी में उनका इंसल्ट करने के लिए और पैसा निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सके, और जो फीमेल साइड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सके। इसके लिए वुमेन को मालूम है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो इसके वजह से वो लड़की को ये प्रेशर डालने के लिए लड़के के फैमिली के ऊपर इजीली FIR हो जाता है, केसेस हो जाते हैं। तो फिर सेटलमेंट में बात आती है, सेटलमेंट में हैवी अमाउंट देना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा अमाउंट से भी काम चल जाता है, बट ये डिपेंड करता है केस टू केस कितना अमाउंट देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये सेटलमेंट के लिए, पैसे निकालने के लिए एक अच्छा इक्विपमेंट बन जाता है ऐसे वुमेन के लिए जो कि इसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं। 498A उस टाइम पे ऐड करा गया था इंडियन पिनल कोड में, ना जैसे कि मैंने बताया 1983 में दिसंबर 26 को इंसर्ट करा गया था इंडियन पिनल कोड में। तो उस टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल वैसा था, वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी, मेंटल फिजिकल बहुत सारे क्रुएल्टीज होते थे। तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि इंसर्ट करना ज़रूरी था। बट आज के डेट में ज़्यादातर मैटर्स में ऐसा होता है कि वुमेन मेन आर एट इक्वल फुटिंग, इक्वल अर्निंग कर रहे हैं, क्वालिफाइड है, इक्वली क्वालिफाइड है, डिजिग्नेशन भी सेम है, क्राइटेरिया सेम जॉब के क्राइटेरिया में है। तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए पुलिस को केस रजिस्टर करते टाइम और कोर्ट्स को डील करते टाइम, ऐसे केसेस डील करते टाइम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे FIRs रजिस्टर करने चाहिए, और जो कोर्ट्स भी इन मैटर को डील करता है उसे ऐसे ही लाइट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से इसको डील करना चाहिए, सो दैट जो फ्रिवलस केसेज है, फॉल्स केसेज है, झूठे केसेज है मेन को हैरेस करने के लिए, वैसे केसेस कोर्ट तक नहीं आ पाए, पुलिस स्टेशन तक नहीं आ पाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, 498A से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।